गाइस ये हमारी सोसाइटी के बाहर में जय जय ये हमारे सोसाइटी के बाहर में फ्लैग रेज हुआ है, झंडा लहराया गया है। सुबह सुबह 9 बजे एंड ये सबको प्रसाद बांटा जा रहा है, अब लड्डू बांटे जा रहे हैं आज सुबह सुबह। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आज हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं एंड कुछ अच्छा सा खाने का मन था आज के दिन। सो हमने आज जो है सोचा कि हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं आलू स्टफिंग के साथ ब्रेड पकौड़ा। सो मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। आलू ना एक्चुअली कल ही मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह इजी होगा मेरे लिए ना, तो मैंने यहाँ पे आलू सारे छीन लिए हैं एंड ये ब्रेड मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग करके रख ली थी। एंड मैंने ये जो बैटर रेडी कर रही हूँ, मैं ये बैटर बेसन, इसके अंदर मैंने अजवाइन, नमक, मिर्च और हल्दी डाली हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। अभी ये जो मैं आलू है इसके अंदर मिर्ची मैंने काट लिया, हरी मिर्ची, साथ में थोड़ा मैंने मसाले डाल के, नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी मेरा नमक जो है बेसन में डला हुआ है। तो मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह मैशअप कर लिया, इसका चोखा टाइप बना लिया मैंने। अब जो है मैंने ये जो बैटर है इसको साइड में रख के मैंने कढ़ाई ऑलरेडी तेल डाल लिया मैंने कढ़ाई में एंड अब इस कढ़ाई को ऑन करके तेल थोड़ा गर्म होने देंगे एंड देन हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे अपना काम करना। तो गाइज़ मैंने इसमें स्टफिंग भर रही हूँ मैं, जब तक ऑयल जो है थोड़ा सा बॉयल होएगा, मतलब बॉयल भी नहीं करना है, मीडियम हीट पे रखना है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि बार बार से वो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम मीडियम में रखेंगे एंड मैंने ये सारे जो हैं ब्रेड को डबल स्लाइस सैंडविच शेप में मैंने इसको करा है एंड अब मैं इस घोल जो मैंने बेसन का घोल था उसमें अच्छी तरह मैं डिप करके अब मैं जल्दी जल्दी उसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। चलिए आगे देखते हैं पहले। सो गाइस ये मेरा तेल गरम हो गया, अब मैंने जो है बेसन में इसे लपेटते हुए इसे आप फ्राई कर लीजिए। सिंपल है एकदम, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा टेस्टी टाइप्स बना लेते हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आज हमारा देश जो है गणतंत्र डिक्लेयर हुआ था, हमारे जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी हैं उन्होंने आज संविधान जो है हमारा, संविधान में हमारा जो गणतंत्र दिवस है इसे घोषित किया था एंड इसलिए आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है एंड यू नो हम पकौड़ों के साथ साथ देखिए घर पे रहें बेस्ट है, घर पे रहिए एंड सोसाइटी में अब अगर आपके हो रहा है सेलिब्रेशन तो जाइए दूर रह के, मास्क लगा के उसे देखिए एंड सेलिब्रेट कीजिए आज का दिन। आज के दिन के लिए हमें प्राउड होना चाहिए क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 में हमारा जो भारत है उसे संविधान मिला था, अपना गणतंत्र डिक्लेयर किया गया था एंड इसलिए हम आज का दिन इतनी अच्छी तरह धूमधाम से मना रहे हैं। तो मैंने भी पकोड़े बनाए हैं सेलिब्रेट कर। तो गाइस एंजॉय कीजिए ब्रेड पकोड़ा चटनी एंड सॉस विद चाय, विद चटनी। अम्मी भी एंजॉय कर रही है एंड दादी भी एंजॉय कर रही है एंड गर्मा गर्म अभी खाओगी ना? नहीं रोटा नहीं, कहाँ कल हमने तो पुलाव बनाया ना। ओके सॉस खा रही हो, चलो बाय बोल दो, से बाय बाय। ओके गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर पे एंजॉय कीजिए, ब्रेड पकोड़ा बनाइए, कुछ अच्छी चीज बनाइए और आज का दिन एंजॉय कीजिए आप। चलिए फिर हम आपसे कल मिलते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।